In this chapter, elections of India, first of all, the term of election, term means meaning, should be clear to you. What is the meaning of election? Election is the process through which people, they elect their representatives. What is the meaning of election? Election is the process through which people, they elect their representatives. So, when our country was under the control of Britishers, at that time elections were not held in India. So how at that time people, they spend their life and how difficult it was for the people. So one by one, first you will tell me why we need elections, because before 1947, elections were not conducted in India. Here, Hanji Gurpal, stand up. What was the condition of our country before 1947 when elections were not conducted in India? It was not monarchy. It was colonial rule, because our country was under the control of Britain. So that was not the monarchy system. That was colonial rule. Okay. And at that time, we people were not given right to vote. Okay. Yes, just Karan. So do you think that system was justiciable? No. What was the drawback in that system? If people were not given right to vote, then what was the drawback of that system when elections were not conducted in India? Okay, when we were under the control of Britishers, at that time we were not given right to vote. So what was the drawback at that time? Kya drawback tha? Kya disadvantage tha? इक्वेलिटी नहीं थी ना. इक्वेलिटी किसमें नहीं थी? हम एक एग्जांपल लेते हैं. इंडियन आर्मी, टू काइंड ऑफ सोल्जर्स वर रिक्रूटेड. ब्रिटिश सोल्जर्स वर देयर एंड इंडियन सोल्जर्स वर देयर. सैलरी गिवन टू इंडियन सोल्जर वाज नॉट एज इक्वल एज ब्रिटिश सोल्जर्स. सो वी कैन से एट दैट टाइम इक्वेलिटी वॉज नॉट देयर. ठीक है. एंड दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वॉज फेस्ड बाय मैनी पीपल एट दैट टाइम. ठीक है. ये सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण मैनी पीपल दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू गेट फ्रीडम. सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि उनके लिए क्यों जरूरी था कि वो गुलामी नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस, हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट करना चाहते. आज अगर हम इंडिपेंडेंट हैं तो हमें इंडिपेंडेंट देखने के लिए शायद कितने लोगों ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दिया, और वो आज नहीं है, उनकी फैमिलीज जो हैं, मे बी उनकी फैमिलीज आगे, उनकी फैमिली, जिनकी फैमिली ने सेक्रीफाइस दिया, तो मे बी उनका ड्रीम क्या था, एक ऐसी कंट्री जो किसी के अंडर ना हो. तो हम कहेंगे कि हमारी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शंस का मीनिंग सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन बता रही हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या करना है. मीनिंग शुड बी क्लियर टू यू. उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स. इलेक्शन सिर्फ एक ही कैटेगरी का नहीं होता, इलेक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं. अलग अलग तरह के इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में. कुछ होते हैं जनरल इलेक्शंस. जनरल इलेक्शंस बेसिकली होते हैं 5 ईयर्स, यानी कि हमारी कंट्री में लोकसभा के इलेक्शंस 5 ईयर्स के बाद होते हैं. कुछ इलेक्शंस होते हैं मे बी अगर 5 ईयर्स से पहले अगर कंट्री पे अटैक हो जाए, एक्सटर्नल अटैक हो जाए, या कंट्री के अंदर कोई सिवियर कंडीशन हो जाए, तो ऐसे में कई बार इमरजेंसी लगा दी जाती है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है. तो कुछ देर के लिए लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन खत्म हो जाएगी, एमपीज की पावर खत्म हो जाएगी. ऐसे में पूरी कंट्री किसके कंट्रोल में हो जाएगी? प्रेसिडेंट. और ये कंटिन्यू 6 मंथ्स या 1 ईयर कंटिन्यू रह सकता है. उस टाइम पीरियड में एमपीज नहीं होंगे, ना ही पीएम होगा, पूरी कंट्री प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होगी. क्योंकि ऐसे में कई बार क्या होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो एक पर्सन के हाथ में होने चाहिए. लेकिन हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है कि अगर इमरजेंसी लगती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो 6 मंथ्स के बाद, 1 ईयर के बाद कंट्री में फिर से इलेक्शंस करवाए जाएंगे. ऐसे इलेक्शन जो 5 ईयर से पहले करवाने पड़े उनको क्या बोलते हैं? मैं सारा करवाऊंगी, मैं जस्ट आपको अभी आउटलाइन बता रही हूँ. ऐसे इलेक्शन जब टर्म से पहले करवाने पड़े उनको क्या बोलते हैं? मिड टर्म इलेक्शन. जनरल इलेक्शन जो होते हैं उनको क्या, जनरली मतलब जनरल इलेक्शन 5 ईयर्स, टर्म से पहले अगर इलेक्शन हो तो उनको क्या बोलते हैं? मिड टर्म इलेक्शन. अच्छा, अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम अगर 5 ईयर्स हैं और 3 ईयर्स अभी पड़े हैं और डिसॉल्व हो गई लोकसभा तो नए इलेक्शंस हुए, उनकी टर्म कितनी होगी? उनकी टर्म आगे 3 होगी कि 5 होगी? 5, क्योंकि वो तो न्यूली इलेक्टेड हुए हैं ना, उनकी टर्म पिछली वाली लोकसभा से नहीं होगी, उनकी टर्म फिर से स्टार्ट कंटिन्यू होगी, दैट विल बी
5 years, तो उसको क्या बोलते हैं, मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, फिर हम करेंगे इसमें बाय इलेक्शन, बी वाई बाय। बाय इलेक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज पूरी कंट्री, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारी कंट्री में जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना बेटा, तो लोकसभा की टोटल वैसे सीट्स कितनी होती हैं, 545, लेकिन सभी के लिए इलेक्शन नहीं होते, इनमें से दो यानी कि 543 के लिए इलेक्शन होंगे। टू जो मेंबर्स है, दीज मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन नहीं होते, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट इनको सिलेक्ट करता, लेकिन बाकियों के लिए इलेक्शन होते हैं। और पूरी कंट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, 543 का मतलब है हमें लोकसभा में कितने सीट पॉपल, हमें लोकसभा में कितने एमपीज मिलेंगे, 543। और ये एमपीज जो हैं वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करो 6 मंथ्स के बाद, 1 ईयर के बाद किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई एमपी है उसकी डेथ हो जाती है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो ही इज नॉट एबल टू होल्ड द ऑफिस, तो ऐसे में वो रिजाइन कर देता, तो उसके पर्टिकुलर एरिया की पोस्ट क्या होगी, वैकेंट। तो ये टर्म तो इलेक्टेड टर्म है ना, ये नॉमिनेट थोड़ी है। तो ऐसे में अगर उसी पर्टिकुलर एरिया में फिर से इलेक्शंस करवाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, बाय इलेक्शन। ठीक है, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले हम करेंगे इसमें मीनिंग और उसके बाद टाइप्स। टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, या तो होते हैं जनरल, जनरल जो होते हैं दैट इज फॉर 5 ईयर्स, या होते हैं मिड टर्म। मिड टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म कंप्लीट करने से पहले ही जब कंट्री में इलेक्शंस करवाए जाने पड़े उनको क्या बोलते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस। थर्ड इज बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन का मतलब क्या होता है, टू फिल वन पर्टिकुलर पोस्ट, अगर किसी एमपी की डेथ हो जाती है, रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो या कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेडिकल प्रॉब्लम आती है, तो वो ऑफिस में पोस्ट को नहीं संभाल पाते, वो रिजाइन कर जाते हैं, तो पोस्ट खाली हो जाती है, उस खाली पोस्ट को भरने के लिए उस एरिया में फिर इलेक्शंस करवाए जाएंगे, और इन इलेक्शंस को क्या बोलते हैं, बाय इलेक्शन। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फीचर्स, हमारी कंट्री के फीचर्स क्या हैं। इसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स हम इसमें पढ़ेंगे, वैसे देखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, अब आपने जो भी करना ना दैट विल बी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है डिटेल में, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपकी पूरी ऑब्जेक्टिव थी, ये क्वेश्चंस आपके डिटेल में। ठीक है, ये आपने जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपके 1 मार्क क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको सम क्वेश्चंस विल बी आस्क इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, सम विल बी आस्क इन द फॉर्म ऑफ 3 मार्क्स, एंड सम विल बी इन द फॉर्म ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, तो फीचर्स आपने प्रिपेयर करना है, पूरा क्वेश्चन, पूरा टॉपिक प्रिपेयर करोगे, यस डोंट डू दिस, आपने पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है फॉर 5 मार्क्स, लेकिन मैं आपको नंबर ऑफ फीचर्स बताऊंगी, मोर देन 10, मोर देन 12, बिकॉज ऑल दीज फीचर्स कैन कम इन 1 मार्क डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आपको आ सकते हैं। आपको अपनी कंट्री की इलेक्शंस की हर टर्म की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। तुषार, जसकरण एंड योर नेम चेतन ने से प्रॉपरली। ठीक है, फीचर्स जनरली हमने इसमें फीचर वो फीचर करने हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है, तो वट एवर द फीचर आई विल डिस्कस विद यू, दीज आर रिटर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप उसमें ये नहीं कहोगे कि मैम यूजली तो हमारी कंट्री में ऐसा होता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया। जैसे हम आपको कहते हैं बेटा चिटिंग नहीं करनी, लेकिन बच्चे चिटिंग करते हैं, ऐसे ही हमारी कंट्री में भी कुछ फीचर्स लिखे गए हैं। ठीक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, सम फीचर्स हैव बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द लीडर्स दे हैव टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, इफ दे विल नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस देन सम एक्शन विल बी टेकन, और जो एक्शंस लिए जाएंगे वो आ जाती हैं हमारी कंट्री के इलेक्शंस की क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स। कि अगर हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं अगर लीडर्स उनको फॉलो नहीं करते हैं तो सम प्रॉब्लम्स आर देयर, और ये हमने बताना है कि क्या प्रॉब्लम्स रियल होती हैं। जैसे हम देखा जाए तो हम कहते हैं कि हमारी कंट्री में इलेक्शंस में लीडर्स जो हैं वो मनी एंड मसल पावर का यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, बूथ कैप्चरिंग होती है। बूथ कैप्चरिंग का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा बूथ गन पॉइंट में उसको कैप्चर कर लिया जाता है, और लोगों को इस चीज के लिए फोर्स किया जाता है उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोटिंग करने, तो दैट इज इलीगल। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं बाद में उसके ऊपर से क्या लिया जाएगा, एक्शन। और क्या प्रॉब्लम आती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इलेक्शंस में रिलीजन का यूज नहीं होना चाहिए, रिलीजियस सिंबल्स, रिलीजियस प्लेसेस या रिलीजियस आइकन्स, वोटिंग के टाइम पर में किसी भी तरह से आप अपील नहीं करोगे रिलीजियस बेसिस के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग ऐसा करते हैं, तो दैट इज आर प्रॉब्लम। ये हमारी कंट्री के इलेक्शंस की प्रॉब्लम्स है।
तो एक क्वेश्चन हमने क्या प्रिपेयर करना है, फीचर्स कि हमारी कंट्री में रियल क्या होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और दूसरा क्या है प्रॉब्लम्स कि हमारी कंट्री के इलेक्शंस की क्या प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है, पीपल कीप ऑन चेंजिंग द पार्टीज, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। अगर आप लोग ही पार्टी चेंज कर रहे हो तो हम आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे, आप पोस्ट के लिए या मिनिस्टर बनने के लिए या किसी हाई पोस्ट जो है वो गेन करने के लिए कीप ऑन चेंजिंग द पार्टी। अगर आप ही चेंज कर रहे हो, गंगा गए गंगाराम, यमुना गए यमुना दास, तो लोग आपके ऊपर बिलीव कैसे करेंगे। तो ये भी मेन प्रॉब्लम है, डिफेक्शन की प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, लोग पार्टी चेंज करते हैं तो ये भी एक तरह से प्रॉब्लम है। लेकिन अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि डिफेक्शन जो है वो पार्टी चेंज नहीं हो सकते। हाँ जी ठीक है। लेकिन अच्छा एक और चीज, लोग पार्टी चेंज कर सकते हैं पर इलेक्शन से पहले, और अगर वो जीत जाए जीतने के बाद पार्टी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जिन लोगों ने आपको जिताया है जरूरी नहीं कि उन्होंने आपको देख के जिताया, कहीं उन्होंने सिंबल्स को देख के भी वोट डाला हो। इसका मतलब क्या है कि पहले पार्टी चेंज कर सकते हो, लेकिन बाद में जीतने के बाद अगर पार्टी चेंज करोगे तो गवर्नमेंट आप पे अगेन एक्शन लेगी और आपकी जो सीट आप जिस सीट से जीते हो वो क्या हो जाएगी, कैंसल। और उस सीट के ऊपर फिर क्या होंगे, कौन से इलेक्शंस बाय इलेक्शन। जब किसी पर्टिकुलर एक सीट के लिए इलेक्शंस होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, बाय। तो ये हम सारा डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स में कि हमारी कंट्री में इलेक्शंस की क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोग किस तरह से उन प्रॉब्लम्स जो हैं उनको किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी बेस्ड, अगर प्रॉब्लम है तो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन। फिर हमने बताने हैं सॉल्यूशन हमने दो तरीके से बताना है, एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स किए गए हैं प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं टू चेक द एक्टिविटीज ऑफ इलीगल या पॉलिटिकल पार्टी जो अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते हैं। देन योर सजेशंस मतलब आप अपना भी बता सकते हो कि क्या होना चाहिए, अपनी वे से भी आप बता सकते हो कि दिस शुड बी देयर, कि अगर हमारी कंट्री में इलेक्शंस की ये प्रॉब्लम्स हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट को ऐसा करे, सजेशंस देने हैं। तो ये क्वेश्चन सपोज मैं आपसे ये पूछती हूँ कि बेटा टेल मी 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्शंस आवर कंट्री एंड हाउ यू कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, तो वो आ गया 3+2, इट मीन्स 2 पॉइंट्स आपने क्या देने हैं, सजेशंस, कि आपके सजेशंस क्या हो सकते हैं। सपोज मैं आपसे ये पूछती हूँ कि बेटा विच आर द 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्शंस इन आवर कंट्री एंड हाउ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स दीज प्रॉब्लम्स, तो वो आ जाएगा आपका रिफॉर्म की फॉर्म। तो दोनों ही तरह से हमने क्या बताना है, इसका सॉल्यूशन। ये हमारा चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट होगा। इसके बाद फिर हमारा एक और पार्ट रह जाएगा, पूरी कंट्री के इलेक्शंस को करवाता कौन है, दैट इज इलेक्शन कमीशन। हमारी कंट्री में कमीशन है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन। इस इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर्स हैं, सिर्फ 3 मेंबर्स, मतलब कमीशन में सिर्फ 3 मेंबर्स हैं। 1 इज सीईसी, सीईसी का मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। तो टोटल इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होंगे, 3। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है डिटेल में कि हमारा इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क करेगा, दैट इज आर्टिकल 324। तो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में पूरा डिटेल से बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन की क्या पावर्स है। जब भी कोई पर्सन, जिस पर्सन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनाया जाएगा ना, सबसे पहले उसका काम क्या होगा, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रीड करेंगे, इस आर्टिकल को रीड करेंगे कि उनकी क्या पावर्स हैं, कहाँ पे वो अगर गलती करेंगे तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। देन दे विल मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता है हमारी कंट्री का इलेक्शन कमीशन दैट इज वर्ल्ड्स बेस्ट और पावरफुल इलेक्शन कमीशन ऑफ द कंट्री। व्हाई? बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के तीनों मेंबर्स दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है, बट वंस दे आर अपॉइंटेड दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग द इलेक्शंस। अब हो सकता है कि प्रेसिडेंट ने उनको इलेक्ट किया और एक साल के बाद प्रेसिडेंट की पोस्ट खत्म हो गई, तो अब नए प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कौन करवाएंगे,
इलेक्शन कमीशन। कैसे करवाएंगे? सारा प्रोसीजर हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेजिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, और वो सारा उसको रीड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सारा प्रेजिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करवाएंगे हमारी कंट्री में। लेकिन सिर्फ 3 members, क्या 3 members पूरी कंट्री के इलेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं? नो। तो देयर इज अ होल डिपार्टमेंट, दैट डिपार्टमेंट इज एट न्यू दिल्ली। पूरा डिपार्टमेंट है हमारा, इलेक्शन मंत्रालय डिपार्टमेंट है। नंबर ऑफ ऑफिस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड नंबर ऑफ ऑफिसर्स दे आर वर्किंग हियर, एंड नंबर ऑफ IAS ऑफिसर्स आर देयर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आर देयर, दे आर कंट्रोलिंग द होल ऑफ द यू कैन से इलेक्शन कंडक्टिंग इन आर कंट्री। ये मेन जो है पावरफुल पर्सन है इलेक्शन कमीशन। यानी कि इलेक्शन की डेट कब अनाउंस होगी, जैसे अब हमारे फरवरी में इलेक्शन होने हैं ना पंजाब के, तो आपके सामने जो जो भी रिजल्ट्स आएंगे या जो जो भी नई जितनी भी नई पॉलिसीज बनेंगी, डेट कब अनाउंस होगी इलेक्शंस के, वोटिंग डे कब होगा, या कौन कौन सी पार्टीज हैं, किनको टिकट देनी है, कैसे, व्हाटएवर जो भी है, ये सारा इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। और ये सिर्फ 3 members नहीं होते, इनके साथ पूरा डिपार्टमेंट होता है। हमारी कंट्री का जो डिपार्टमेंट है वो उसका ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में मतलब चीफ, चीफ कौन है? CEC, जिसके हाथ में मेन पावर है। जब ये, अच्छा एक और चीज याद रखो, बाकी जितनी भी हमारी कंट्री में टर्म है ना, चाहे प्रेसिडेंट, चाहे प्राइम मिनिस्टर, MP और MLA, इनकी टर्म कितनी होती है? 5 years। लेकिन सिर्फ CEC ही ऐसे हैं जिनकी, इन तीनों की टर्म कितनी है? 6 years। ये याद रखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों ऐसा किया गया? फिर से याद रखो, प्रेसिडेंट की टर्म कितनी है? 5 years। प्राइम मिनिस्टर 5 years। MP कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MLA कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सपोज जलंधर में आपके घर के पास एक MP रहते हैं और एक MLA रहते हैं, तो पावरफुल कौन है? पावरफुल कौन है? MP। MP इसलिए पावरफुल है, वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करते हैं। MLA कौन है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो सिर्फ वो सिर्फ पंजाब की टेरिटरी है, मतलब वो जलंधर के MLA हैं, और जलंधर में सिर्फ एक MLA नहीं है, जलंधर के 9 MLA, ठीक है। लेकिन MP पूरे जलंधर का MP क्या है? सिर्फ ओनली वन। जितना एरिया बड़ा होगा उतनी ही जो उनकी डिग्निटरीज हैं, उनका नंबर ऑफ जो मेंबर्स है वो कम होंगे ऑटोमेटिकली। काउंसलर कितने हैं जलंधर के? काउंसलर कितने? मोर देन 40। अच्छा वार्ड्स, आप सभी बच्चों के अपने अपने वार्ड्स हैं, आप सब बच्चों को अपने अपने वार्ड्स पता होने चाहिए, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2। हर वार्ड का एक काउंसलर होता है। लोकल प्रॉब्लम अगर है, आपके घर में पानी की प्रॉब्लम है, पानी गंदा आता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, रोड्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम किसके पास लेकर जाओगे? काउंसलर के पास। अगर आपको अपने एरिया कॉलोनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कहाँ पे जाओगे? MLA, जो आपकी असेंबली यानी कि पंजाब के मेंबर। अगर आपको जलंधर की कोई प्रॉब्लम है तो MLA। तो इस तरह से हमारी कंट्री में अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग पावर्स को डिवाइड किया गया है। लेकिन सबकी जितने भी टर्म्स है ना, वो सारी बेसिकली 5 years हैं। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही एक ऐसा कमीशन है जिसकी टर्म जो है वो कितनी है? 6 years। 6 years के बाद CEC की पोस्ट जो है, फिर नए CEC आएंगे। पर जनरली हमारी कंट्री में पता क्या होता है, जो 2 होते हैं ना, इनमें से जो सीनियर होते हैं ना, उनको क्या बना दिया जाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, इनके इलेक्शंस नहीं होते, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर मैं आपसे ये पूछूं, हु कैन अपॉइंट द इलेक्शन कमीशन? प्रेसिडेंट। हु कैन अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? व्हाट इज द टर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन? व्हाट इज द टर्म ऑफ CEC? 6 years। ठीक है, 6 years क्यों? सपोज आप सोचो कि एक पर्टिकुलर ईयर है 2022। इस 2022 में प्रेसिडेंट भी नए बने और CEC भी नए बने। प्रेजेंट की पोस्ट भी 5 साल के बाद खत्म हो जाएगी और CEC की पोस्ट भी अगर 5 साल के बाद खत्म हो जाएगी, तो प्रेजेंट के इलेक्शंस कौन करवाएगा? इसीलिए 1 year को क्या किया गया है? एक्सटेंशन एड। एक्सटेंशन का मतलब होता है यूजुअली टर्म रखी गई है CEC की कितनी होनी चाहिए? 6 years, ताकि इन दैट केस अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उस पर्टिकुलर 1 additional year में नया प्रेजेंट अपॉइंट हो जाए, या फिर सपोज CEC की टर्म खत्म हो गई है तो प्रेजेंट अपने जाने से पहले CEC को अपॉइंट कर जाए। लेकिन whatever the conditions are, once they are appointed by the president, they are not obliged to take any kind of advice from the president. देखा जाए तो हमारी कंट्री में CEC की पोस्ट बहुत important है। इलेक्शन से रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है, दे आर फ्री टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग इलेक्शन।
वो किसी भी तरह से इलेक्शंस के जो डिसीजन है वो ले सकती है, और किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल बी देयर। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बूथ कैप्चरिंग की न्यूज आती है, अनफेयर प्रैक्टिसेस की न्यूज आती है, तो ऐसे में क्या होता है उस कैंडिडेट के जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल हो जाती है। इन फ्यूचर वो कैंडिडेट कभी भी इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता, और ऐसे में फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस होता है, और ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स इलेक्शन कमीशन जो है प्रूफ के साथ कोर्ट को दी। बच्चे आवाज नहीं आ बिल्कुल, इज इट क्लियर? सो इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, कि हमारी कंट्री में चीफ इलेक्शन कमीशन की पावर्स एंड फंक्शंस क्या, ठीक है, और कैसे वो मैनेज करते हैं। ये सारा करने के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड स्टेप बाय स्टेप। अगर तो सपोज आपको फीचर का क्वेश्चन आता है तो जितने मर्जी फीचर आप लिखो, नंबर ऑफ फीचर्स यू कैन राइट, एटलीस्ट 5 or 6 यू कैन राइट, लेकिन अगर आपको आता है स्टेप्स, स्टेप हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड को ही फॉलो करते हैं, तो स्टेप में स्टेप का मतलब क्या है कि हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, इलेक्टोरल प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर में सबसे पहले क्या होता है, अनाउंसमेंट ऑफ डेट्स। आपको डेट्स पता होंगी इलेक्शंस की तो आप एक्शन करोगे। अब जैसे आप देखोगे फरवरी में जब इलेक्शंस कमीशन डेट डिसाइड कर लेगा ना, सभी पार्टीज तो अभी वैसे उसमें आ गई, पार्टी ने धीरे धीरे अपने लीडर्स को जो है वो चुनना शुरू कर दिया कि किसको वो टिकट देंगे, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस भी कर रही हैं। लेटेस्ट अलायंस जो है वो सुना गया है बीएसपी का अलायंस किसके साथ हो रहा है। हाँ, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए पार्टीज ने अब क्या करना शुरू कर दिया, अलायंस बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, और शफलिंग भी होनी शुरू हो गई। तो अनाउंसमेंट डेट्स, डेट्स के बाद फिर क्या होता है, मैं आपको सारा बताऊंगी कि क्या होता है, मैं जस्ट आपको आउटलाइन बता रही हूँ। डेट्स के बाद फिर क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने अपने लीडर्स को इलेक्ट कर, इलेक्ट का मतलब होता है सिलेक्ट करना और उनको नॉमिनेशन टिकट देना। सपोज कोई पर्सन ये कहता है ना कि मेरे को टिकट मिला है, किसका टिकट मिला है, फिल्म का टिकट मिला है, किसका टिकट मिला है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। सपोज कोई पर्सन ये कहता है कि मेरे को तो टिकट मिला है इस एरिया से कंटेस्ट करने का, टिकट मिलने का मतलब क्या है कि पार्टी ने उस पर्सन को खड़ा किया है उस एरिया के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, नॉमिनेशन, एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है और उस डेट को जितने भी लीडर्स होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाएंगे, वहां पे नॉमिनेशन पेपर होता है और उस नॉमिनेशन पेपर को प्रॉपर फिल करना होता है, जिसमें सारी इनकम डिटेल्स, अपने बैंक अकाउंट्स, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, ताकि उसके बाद वो जो भी ट्रांजेक्शन करे वो सारा किसके पास रिकॉर्ड हो, गवर्नमेंट के पास, ठीक है, और जो भी उनके पास प्रॉपर्टी की डिटेल होती है वो सारी उसमें बतानी पड़ती है। इसके बाद नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उनको एक पर्टिकुलर डेट दे देता है कि यू कैन विड्रॉ। कई बार क्या होता है कुछ मेंबर्स को ना आसपास के लोग खड़ा कर देते हैं कि हाँ जी आप इलेक्शन लड़ो, लेकिन कई बार क्या होता है कि लीडर को पता लग जाता है कि मेरे को तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, सिर्फ मेरा इतना सा ही एरिया है और मैं तो चलो ठीक है शो ऑफ हो गया कि हाँ जी मैं नॉमिनेशन पेपर मैंने फिल कर दिए, लेकिन उसको अंदर से पता लग जाता है कि शायद वो हार जाएंगे, और हारने के डर से कई बार क्या होता है कि उनको, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन एक प्रॉपर डेट भी देते हैं कि यू कैन विड्रॉ योर नेम। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, वापस ले सकते हो, हाँ, सिक्योरिटी भी होती है कि आपको कुछ सम ऑफ मनी जो है वो डिपॉजिट करवानी पड़ती है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब विड्रॉ ले लिया तो पॉलिटिकल पार्टीज को टेंशन हो जाती है, वो फिर क्या करेंगे, फिर किसी और मेंबर को मनाएंगे कि हाँ जी आपको हम टिकट दे रहे हैं। तो इन द एंड करके एक फाइनल डेट डिसाइड हो जाती है कि इस डेट तक हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट जो है वो अनाउंस कर देती है, और न्यूज़पेपर में आपके पास आ जाती है पार्टीज और उनकी लीडर्स। अब आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ जी इस पार्टी का ये लीडर है, और आप उसके बाद उनको इवेलुएट करते हो, और इवेलुएट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्या करती हैं, कैंपेनिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैंपेनिंग। अगर किसी बच्चे ने नॉमिनेशन से पहले कैंपेन लिख दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपने तो लीडर से पहले ही कैंपेनिंग कर दी। कैंपेनिंग हमेशा क्या होती है, डोर टू डोर, लीडर्स आपके घर में आते हैं कन्विंसिंग करने के लिए, या फिर क्या करते हैं पैम्फलेट्स, न्यूज, रैलीज होल्ड की जाती हैं, मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद कैंपेनिंग करने के बाद फिर लग जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। आई एम जस्ट गिविंग यू 2 or 3 एग्जांपल। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जब कैंडिडेट का नेम अनाउंस हो गया, उसके बाद
कैंडिडेट जो है वो किसी भी तरह से ट्रांजेक्शन जो है वो सारा ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट के अंडर होगा, वो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट यानी कि जो ऑलरेडी मिनिस्टर्स हैं उस टाइम पीरियड में किसी भी प्रोजेक्ट को वो इनॉग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, और अगर वो उस टाइम पीरियड में इनॉग्रेट करेंगे तो वो कैंपेनिंग का पार्ट समझा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कोई भी मिनिस्टर जो है वो किसी बड़े प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट नहीं कर सकते हैं। करते हैं तो एक्शन लिया जाएगा उनके ऊपर, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का काम है। सपोज कोई मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि हाँ जी हमने यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनवाया है या स्कूल बनाया है, वो तो गवर्नमेंट का है, वो अपना नाम नहीं ले सकते उस पार्टी के ऊपर। और क्या होता है, कैश, कैश पे लिमिट लग जाती है। हाँ, कैश कैरी नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि प्रॉपर चेकिंग होती है, ठीक है। हाँ, एक और कोड ऑफ कंडक्ट लवण्या एंड मान्या पटेल, एक और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है कि वोटिंग से 2 दिन पहले कैंपेनिंग टोटली बंद हो जाए। ऐसा इसलिए ताकि वोटर्स को क्या दिया जाए, प्रॉपर टाइम, क्योंकि ऑलरेडी वोटर जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको कंफ्यूज कर चुके होते हैं, तो वो 2 डेज होते हैं वोटिंग से पहले जब कैंपेनिंग टोटली क्या हो जाएगी, बंद हो जाती, ठीक है, ताकि लोगों को सोचने का टाइम दिया जाए कि वो किस लीडर को वोट करना चाहते हैं। फिर आता है वोटिंग डे, वोटिंग डे को पोलिंग डे भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, आपको सबको पता होता है कि हमने कहाँ पे सेंटर है सपोज, और उस दिन नेशनल हॉलीडे, गवर्नमेंट छुट्टी हो जाती है, ठीक है, छुट्टी होगी क्योंकि ताकि कोई ये एक्सक्यूज ना दे कि हमने वोटिंग करने जाना था, हम तो जॉब में बिजी। और फॉर एग्जांपल जैसे हमारा स्कूल भी एक सेंटर बनता है, तो लाइक क्लासरूम्स दीज आर कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू बूथ, उनको बूथ बना दिया जाता है। सपोज अगर ये रूम है तो यहाँ पे प्रॉपर टेबल होगा, यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे, और जैसे ही आप एंटर करोगे आपके पास आपका क्या होगा, वोटर कार्ड, वो उसको वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद कॉर्नर्स में प्रॉपर ब्लैक कलर से सारा कवर होगा, और अंदर क्या पड़ी होंगी, ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप वहां पे जाओगे, सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है, ओनली यू नो टू होम यू आर वोटिंग। वहां पे ईवीएम में आप चाहे 2 मिनट खड़े हो जाओ, चाहे 5 मिनट खड़े हो जाओ, आप प्रॉपर अपना टाइम ले सकते हो कि मैंने सारे लीडर्स का नेम पढ़ना है, और उसके बाद जिस भी लीडर का आपने जिसको भी वोट देना है उसके सामने बटन प्रेस करोगे तो बीप की आवाज आती है, और उस डे के लिए आपको वहां पे रुकना पड़ता। और अगर आप सपोज आप आ भी गए हो लेकिन आप किसी भी पार्टी को वोट देना नहीं चाहते हो, तो वहां पे एक और बटन होता है, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट की मीन्स आप आए हो लेकिन आपको किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि इनमें से कोई भी कैपेबल लीडर आपको नहीं लगता, ठीक है। और 5 बजे तक वोटिंग सारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद पूरा एरिया क्या कर लिया जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन होती है, सील कर लिया जाता है। वेट, उसके बाद ईवीएम्स को लॉक लगा दिया जाता है। लॉक का मतलब होता है कोड, लॉक का मतलब दूसरा लॉक नहीं, कोड का मतलब होता है कोड लगा दिया जाएगा, सारी की सारी ईवीएम्स क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, कोई भी उनको ओपन नहीं करेगा। इसके बाद ईवीएम्स को यहां से कैरी करके एक प्रॉपर सेंटर में वहां पे भिजवाया जाता है। वहां पे एक पर्टिकुलर डे होगा, रिजल्ट डे, और उस रिजल्ट डे में सारी की सारी ईवीएम्स के लॉक या कोड ओपन किए जाते हैं, और उनके बाद ऑटोमेटिक क्या होती है, कैलकुलेशन। और टीवी न्यूज़पेपर में जो है वो लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाया जाता है, और जितनी सीट्स जीतते हैं कंटेस्टेंट्स तो रिजल्ट आपके सामने। दैट इज द प्रोसीजर हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? मोस्टली वैसे होता नहीं है बच्चे ऐसा, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा पास लेके जाओ, सिर्फ एक पास लाओ।